इलाहाबाद शहर के अंदर कीटगंज मोहल्ले में जमुना पट्टी के किनारे मिंटो पार्क के बगल में ये झोपड़पट्टी बसी है। इसी के बगल से निकलने वाली सड़क से नागा साधुओं का जलूस निकलेगा। उस जलूस में किसी तरह की अड़चन न आए इसकी आड़ लेकर के इन झोपड़वासियों को यहाँ से उजाड़ा जा रहा है। धोखे से तोड़ दिए। तब फिर ये कहाँ रहिएगा? अब कहाँ रहे सरकार, अब क्या कहेंगे, इन पे पड़े हुए है। अब हम क्या करें सर, न पढ़े न लिखे। अपनी लड़ाई आप कैसे लड़ेंगे? अब यही तो लड़ाई नहीं जानते साहब, क्योंकि हम लड़ाई किस तरह लड़े। सरकार का कहना है ये बस्ती अवैध है और ये सरकार की जमीन है, ये लोग यहाँ आकर जबरदस्ती बसे हैं। लेकिन इसके पीछे भू माफियाओं की भी नजर है, वो इस जमीन को हथियाना चाहते हैं। उसी की आड़ ले करके यहाँ पर इन लोगों को उजाड़ा गया है। आज ये लोग मांग कर रहे हैं कि इनकी बस्ती यही रहने दिया जाए या इन्हें की कोई दूसरी व्यवस्था की जाए। हाँ हाँ, सब घर और सब टूट गया। तो लोग क्या कैसे सो रहे हैं, खुले में सो रहे हैं? खुले में, खुले में, खुले में, खुले में। तो हमारे ये मांगे सर कि गिराइए ना, मगर कुछ रहने की जगह तो दीजिए कम से कम। अगर आप लोग इनकी मदद कर सकते हैं, इलाहाबाद के जिलाधिकारी को पत्र लिख करके, जिलाधिकारी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। मैं अजीत बहादुर, इंडियन हर्ड के लिए इलाहाबाद से।